नमस्कार, ये हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन है। मैं हूँ आपके साथ काजोल चौहान। शुरुआत करेंगे रेडियो बुलेटिन की मुख्य सुर्खियों के साथ। सरकार ने जारी किए जेएससी मीटिंग के मिनट्स, अनुबंध के कर्मचारियों को जोरदार झटका। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बिलासपुर में एक साथ स्कूल के 23 छात्र पॉजिटिव। सुक्खू ने दिल्ली में बिछाई बिसात, शुक्ला से 8 विधायकों के साथ की मुलाकात। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, नियर चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती। हाईकोर्ट ने दिए आदेश, 1 माह के भीतर स्थापित करें परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण। वीजीपी के जश्न के दिन को काला दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। रिश्वतखोर फरार एसएचओ की गाड़ी से पकड़ा चिट्टा, पुलिस विभाग ने सस्पेंड किया आरोपी। हिमाचल में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, व्हाइट क्रिसमस की बढ़ी उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। जेएससी मीटिंग के मिनट्स के अनुसार अनुबंध के कर्मचारियों को जोरदार झटका लगा है। उनके लिए इस मीटिंग में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा इनके लिए 18,000 के न्यूनतम वेतन पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसे बजट सत्र के लिए टाला गया है। क्लास 3 और क्लास 4 के रिक्त पद भरने को लेकर मंजूरी की बात कही गई है। इस संबंध में वित्त विभाग के मंजूरी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। हर 6 महीने में एचओडी के साथ कर्मचारियों की बैठक होगी। साथ ही पुलिस पे बैंड के मसले पर होम और वित्त विभाग फैसला करेगा। पार्ट टाइम वाटर कैरियर का अनुबंध काल 13 से 10 साल तक किया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बिलासपुर जिला के एक स्कूल में एक साथ 23 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे अभिभावकों के समक्ष अपने बच्चों की सेहत की चिंता बढ़ गई है। हालांकि बच्चों में कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके एहतियात के तौर पर इन सभी संक्रमित बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉक्टर प्रवीण कुमार ने स्कूल का विजिट कर स्कूल प्रबंधन से ताजा स्थिति का जायजा लिया है। बहरहाल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से सरकारी गाइडलाइन के आधार पर स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया है कि राजकीय उच्च पाठशाला देलग में 23 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिक्षा विभाग की टीम के साथ स्कूल का दौरा किया गया है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी प्रदेशाध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष का पद पाने को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में बिसात बिछा दी है। सुक्खू पिछले कई दिनों से व्यक्तिगत कारणों के चलते यूं तो दिल्ली में ही हैं, लेकिन बीते कल वे कांग्रेस विधायकों के एक गुट को लेकर पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला से मिले हैं। सुक्खू की अगुवाई में मिलने वालों में ऊना से विधायक सतपाल रायजादा, नालागढ़ से लखविंदर राणा, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, कांगड़ा से पवन काजल, कोटखाई से रोहित ठाकुर, कुल्लू से सुंदर ठाकुर, अर्की से संजय अवस्थी व कुसुमटी से अनिरुद्ध सिंह शामिल थे। ये सभी चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को या तो पार्टी का हिमाचल में प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए या फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जाए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का बुधवार दोपहर बाद अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके चलते उन्हें नियर चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाना पड़ा। मंडी एक बैठक के दौरान चक्कर आने से जल शक्ति मंत्री कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत मंडी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि उनका बीपी लेवल काफी बढ़ गया था और इसके साथ ही वे पिछले कुछ दिनों से यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या से भी जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही थी। मंडी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनका सिटी स्कैन भी करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट सही आई है। इसके अलावा कई अन्य टेस्ट भी करवाए जाएंगे। फिलहाल उन्हें नियर चौक मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है और चिकित्सकों की निगरानी में रखा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण 1 माह के भीतर स्थापित करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा है कि न्यायालय द्वारा बार बार पारित किए आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक एक स्वतंत्र राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है और पिछले 4 वर्षों से इस मामले को बेवजह टाला जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि कानून सचिव ट्रिब्यूनल के अर्थक न्यायिक कार्यों का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। उनके लिए राज्य के कानून सचिव के रूप में काम करते हुए ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करना कठिन हो रहा है। 27 दिसंबर को मंडी में होने वाले जश्न को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बड़ा बयान दिया है। कुलदीप सिंह राठौर का कहना है कि बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि जश्न मनाया जाए। कुलदीप सिंह राठौर ने आगे कहा है कि इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सहित जिला स्तर पर प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार की 4 साल की कारगुजारियों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगी। वे राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के
शुभारंभ पर बोल रहे थे। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में त्रिलोकपुर के यात्री निवास में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किया। रिश्वत लेने के आरोप से घिरे नादौन थाना के फरार चल रहे एसएचओ नीरज राणा की गाड़ी से चिट्टा बरामद किया गया है। गाड़ी की तलाशी के दौरान आरोपी के पर्स से पुलिस को 0.8 ग्राम चिट्टा मिला है। वहीं पुलिस महकमे ने आरोपी को निलंबित कर दिया है। बुधवार के दिन आरोपी की बरामद की गई गाड़ी से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम पहुंची थी। फोरेंसिक टीम ने गाड़ी को अनलॉक कर इसके भीतर से साक्ष्य जुटाए हैं। इसी दौरान गाड़ी में पड़े आरोपी के पर्स की तलाशी के दौरान 0.8 ग्राम चिट्टा मिला है। फरार एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी गई है। योगराज चंदेल को नादौन पुलिस थाना का नया एसएचओ नियुक्त किया गया है। रिश्वत का आरोपी थानेदार वारदात के 36 घंटे बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं लग पाया है। विजिलेंस तथा पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है। हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम में आए बदलाव के चलते प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं भी बढ़ चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 23, 24 व 25 दिसंबर को प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश व बर्फबारी की संभावना है। क्रिसमस पर भी बर्फबारी के पूरे आसार बने हुए हैं। पिछले 5 सालों से शिमला में क्रिसमस में बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला में इस बार व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद है। शिमला में साल 2016 में 25 साल बाद व्हाइट क्रिसमस देखने को मिला था और उसके बाद से अभी तक क्रिसमस पर बर्फ नहीं गिरी है। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।